क्यों बोले संगीत सोम, अब हमें हथियार उठाना पड़ेगा। सिर धड़ से उड़ाने की धमकियों पर सोम का जवाब, जैसे उनकी आबादी बढ़ रही हमें शस्त्र उठाना पड़ेगा। संगीत सोम का एक और विवादित बयान। संगीत सोम ने एक बार फिर अपनी वाणी से विवाद के संगीत को जन्म दिया है। सोम को चिंता सता रही है, हथियार उठाने की बात कह रहे हैं, सिर धड़ से अलग करने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने धमकी का जवाब दिया है। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक वर्ग विशेष पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे रोकने के लिए राजपूत समाज को एक बार फिर शस्त्र उठाने होंगे। सरधाना क्षेत्र से भाजपा के विधायक रहे सोम ने खेड़ा गांव में बुधवार को विजयदशमी पर राजपूत उत्थान सभा की ओर से आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, अलगाववाद की बात की जा रही है, सिर कलम करने की बात कही जा रही है, इन सब को समाप्त करने के लिए सत्ता के साथ साथ भविष्य में शस्त्रों की भी जरूरत पड़ेगी। मुगलों ने पूरे देश में राज किया, हजारों का यहाँ राज किया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आज राज में दोबारा क्या होने जा रहा है? आज बढ़ती हुई जनसंख्या का चिंता का विषय नहीं है? आप बताइए मुझे, एक बार किस तरीके का जनसंख्या बढ़ना क्या ये चिंता का विषय नहीं है? अभी आप लोगों ने कई वक्ताओं ने कहा कि भाई हमारी जनसंख्या घटती जा रही है। अरे आपने चिंता घटती हुई जनसंख्या की तो कर ली साहब, लेकिन जितनी बढ़ रही है चिंता उसकी करने की जरूरत है, बढ़ किसकी रही है? अरे बढ़ किसकी रही है देखिए, इसीलिए शस्त्र पूजन हुआ है साहब। हो सकता है अनिल भाई आने वाले टाइम में फिर भी शस्त्रों की जरूरत हमें पड़ेगी, फिर से हमें शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। जब बिल्कुल आतंक हो जाएगा फिर से हमें शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी और फिर से लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी दोस्तों। मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी रहे सोम ने कहा कि धर्म कभी परिवर्तन से नहीं बल्कि त्याग, तपस्या और समर्पण के बल पर आगे बढ़ता है। आने वाले समय में शस्त्र की जरूरत पड़ेगी और राजपूत समाज को फिर से शस्त्र उठाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह देशद्रोही ताकतें देश पर चौतरफा हमला कर रही हैं, उस स्थिति में शस्त्रों का महत्व बढ़ जाता है। सोम ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केरल में कांग्रेस की इस यात्रा में हर तरफ हरे झंडे दिखाई दे रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय ध्वज नहीं दिखाई दे रहा। भाजपा के पूर्व विधायक ने एक वर्ग विशेष को लेकर विवादित बयानबाजी कर डाली। उन्होंने ये भी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हरे झंडे दिखाई देंगे, इसलिए समझदारी से काम लीजिए। सोम ने राजपूतों की छवि बिगाड़ने की कोशिश किए जाने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि फिल्मों में भी राजपूत समाज के युवाओं को गलत दिखाया जा रहा है, जबकि सत्यता यह है कि भगवान प्रभु श्री राम और कृष्ण जी को भी धरती पर आने के लिए राजपूत की कोख से जन्म लेना पड़ा। संगीत सोम पहले भी विवादित बयानों के लिए चर्चित रहे हैं। उन पर 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगों से पहले सांप्रदायिक और भड़काऊ बयान देने का आरोप है। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। अगस्त में संगीत सोम ने विवादित बयान दिया था। मंच से खुलेआम धमकी देते हुए कहा था कि 100 विधायकों के बराबर अकेला हूं, इलाज करने में देर नहीं लगेगी। दरअसल पूर्व विधायक संगीत सोम ने सरधना कस्बे में व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश करने को लेकर कुछ लोगों पर आरोप लगाया था, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ है।